गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कि जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या है कि इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आज जो अपन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तो अपने टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले अपने एक छोटी सी बात और करते हैं कि किसी बच्चे ने 26 के वीडियो पर एक कमेंट दिया था कि सर कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, ठीक है ना, कि भाई साइनाइड तो बनता ही है तो आइसोसाइनाइड यहाँ पर कैसे बनेगा। ठीक है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं था तो मैंने बात भी नहीं की कि जैसे आपको ये 26 का अपने SN2 रिएक्शन पर अपने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर अपने जो ये रिएक्शन है तो इसमें अपने साइनाइड फॉर्म किया है। तो यहाँ पर कमेंट आया था कि भाई साइनाइड का फॉर्मेशन तो बता दिया आपने, लेकिन आइसोसाइनाइड कैसे फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई अपना अगर इस पर बात करें तो एक तो क्या है बेटा, मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है, तो टाइम लिमिट के चक्कर में ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पाता यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे से पूछा है तो डायरेक्टली तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि भाई अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई साइनाइड है तो जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो अपन ने बात की थी कि भाई जब एल्किल हैलाइड जो होता है तो इस एल्किल हैलाइड की अपने किसके साथ रिएक्शन कराएं, कि अगर अपने पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कि भाई अपने एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ पर अपन ने कोई भी एक एल्किल हैलाइड लिया और इसकी अपन ने पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या है कि भाई साइनाइड का फॉर्मेशन का रीजन क्या है, तो यहाँ पर जो आपको मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि भाई मैकेनिज्म में यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो पोटेशियम साइनाइड है, अब आपको अपने नाम से बता रहे हैं साइनाइड, आइड आइड मीन यहाँ पर क्या है कि जो साइनाइड है यानी कि CN है वो किस में है कि इस ग्रुप में है, साइनाइड आयन्स के रूप में है पोटेशियम में, ठीक है। तो साइनाइड के रूप में है तो ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या है कि भई जो कार्ब कैटायन है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने ही, ठीक है, ठीक, तो उस पर ये अटैक करेगा, ठीक, तो उससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, साइनाइड। अगर अपन क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को अपन AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर साइनाइड है तो यहाँ पर क्या है कि भाई मेन बात क्या होती है कि यहाँ पर यानी कि सिल्वर और कार्बन के बिटवीन जो यहाँ पर बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सहसंयोजक बॉन्ड है तो इसके रीजन से यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या है कि यानी कि यहाँ पर जब इसके साथ अपना एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड यानी कि किसके साथ बनेगा, यानी कि एल्केन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा, इसका लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बॉन्ड किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन के साथ, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बेटा ये आपका जो मेरे को आपने कमेंट किया था उसका एक आपका रिप्लाई है, ठीक है। तो ये अपने उसमें नहीं था तो मैंने तो अकॉर्डिंग रिएक्शन आपको बता दिया उस टाइम, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दूसरा एक बच्चे ने कमेंट दिया था कि सर आप जो रिएक्शन आप यहाँ पर बताते हो तो उस रिएक्शन में कहाँ से क्या निकलता है, ठीक है, तो वो भी बताया करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, बताना है, लेकिन बेटा अब बात क्या है कि आप 12th लेवल के 11th लेवल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये बताता चलूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब वो लेवल नहीं है कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ, क्योंकि अब आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है, तो उसी लेवल से आपको डायरेक्टली जो भी है डायरेक्टली बताया जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई नीट की जिसकी तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं ओनली यहाँ पर सिलेबस टू सिलेबस चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोशिश रहेगी कि आपका इस चीज़ की प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व आउट करूँ इसको, ठीक है। तो फिर ये तो आपका जवाब हो गया दोनों बातों का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर अपन बात करें तो अपनी बात है यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये टॉपिक तो आप वैसे भी 12th में पढ़ चुके हैं, आपके पास वैसे भी क्लियर ही है, ठीक है। मेरी इतनी कोई ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने तो वैसे भी इसको नॉर्मल वे में ले लिया, क्योंकि बच्चे 12th में पढ़ ही चुके हैं इसको, ठीक है। अब देखो इस पर, ये भी आप पढ़ चुके हैं 12th में, ठीक है। और RBSE वाले जो सिलेबस है, अब तो CBSE में अपने CBSE लग गए राजस्थान बोर्ड में यहाँ पर, नहीं आपको 11th में ही आ गई है, तो ठीक है ना, 11th में आप पढ़ चुके हैं इसको। अब यहाँ पर आपको दोबारा से रिवाइज हो रही है एक तरह से, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट चलेगा, कुछ डिस्क्राइब चलता है, कहीं पर शॉर्टकट मार देते हैं, कहीं पर डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि जो मुक्त मूलक अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होता है कि भाई अपने को पता है कि ये जो रिएक्शन होती है या तो किस पर होती है कि हाई टेम्परेचर पर होती है, या फिर क्या होती है कि ये सूर्य के प्रकाश यानी कि यूवी लाइट में होती है, ठीक है ना, यानी कि ऊर्जा के विकिरण से, ठीक है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी, ठीक। इसके अलावा ये क्या होती है, इसके अलावा किसकी प्रेजेंस में हो सकती है, कार्बन परोक्साइड्स, ठीक है, इनके प्रेजेंस में ये पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में जैसे अपने एक एग्जांपल लें कि भाई मुक्त मूलक वाली रिएक्शन क्या होती है, तो जो मैथेन है उसका क्लोरीनेशन, ठीक है। अगर मैथेन की अपने यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर क्या करते हैं कि क्लोरीन के साथ इसको रखते हैं, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि मैथेन में से एक एक हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि क्लोराइड के द्वारा क्या होता जाएगा, यानी कि क्लोरीन के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट होता जाएगा, ठीक है। और क्लोरो पहले क्या फॉर्म होगा आपको, मैथिल क्लोराइड, फिर मैथिलीन क्लोराइड, फिर आपको क्लोरोफॉर्म, और लास्ट क्या होगा यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो अगर अपने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर बात करें, तो ये क्या होती है, एक चेन रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है, चेन रिएक्शन होती है। और इसके क्या है कि थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि चेन इनिशिंग स्टेप, यानी कि श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। तो इसमें क्या होता है कि भाई प्रारंभ करने वाले पद में कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है इसमें, जैसे यहाँ पद यानी कि अपने क्लोरीन लेंगे, तो क्लोरीन क्या होगा कि मुक्त मूलक में डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक एक्टिव सक्रिय मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है। तो क्लोरीन का एक मुक्त मूलक फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद। तो श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद में क्या है कि भाई ये जो मुक्त मूलक यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या करता है कि एक नए मुक्त मूलक का, यानी कि एक न्यू फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर अपन मैथेन लेंगे, तो मैथेन से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन क्या होगा कि ये क्लोरीन का एक मुक्त मूलक अपने साथ ले जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैथिल एक मुक्त मूलक यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये मैथिल मुक्त मूलक यहाँ पर फॉर्म होगा, एक नया मुक्त मूलक बना, तो इस तरह से क्या होगी कि रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद, यानी कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक। फिर जो थर्ड इसका पार्ट आता है वो क्या आता है, श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद, यानी कि चेन एंडिंग और चेन टर्मिनेशन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि भाई जो दोनों मुक्त मूलक है, ठीक है, जो अपने ऑलरेडी फर्स्ट जो बनता है वो, या इस फर्स्ट से जो नया मुक्त मूलक बनता है, तो यानी कि दोनों मुक्त मूलक क्या है कि आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे, संयुक्त होंगे, और संयुक्त होकर क्या बनाते हैं कि एक न्यूट्रल एटम, यानी कि सॉरी एटम नहीं मॉलिक्यूल, अणु, एक क्या बनाएंगे, उदासीन अणु, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगी कि जब क्या है कि भाई ये दोनों आपस में जो मुक्त मूलक यहाँ पर क्या है कि आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना दे, या अपन ये कहें कि न्यूट्रल एटम यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि चेन एंड हो जाए, क्योंकि मुक्त मूलक यहाँ पर रहेंगे नहीं, और मुक्त मूलक रहेंगे नहीं तो मीन यहाँ पर क्या है कि मुक्त मूलक ही समाप्त हो गया, तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है अपनी मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन, यानी सॉरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में,
ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल किसका लेंगे, अपने यहाँ पर क्लोरीन, मैथेन की क्लोरीन के साथ आप पी रहे हैं, यानी कि मैथेन का क्लोरीनेशन, ठीक है, तो उसको अपने यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अपने जो जो बात की उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की अपने, इस प्रकार की रिएक्शन अभिक्रिया हाई टेम्परेचर या यूवी या अपन क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक परोक्साइड, परोक्साइड्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। फर्स्ट बात, जैसे अपन फॉर एग्जांपल लें, जैसे मैथेन का क्लोरीनेशन, मैथेन का क्लोरीनीकरण, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब मैथेन का अपन क्लोरीनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर किस किस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, कि भाई मैथेन प्लस Cl2 क्लोरीन, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी, यूवी लाइट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि एक क्लोरीन, यहाँ से एक मैथेन, सॉरी हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CH3Cl, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। फिर आगे रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है, और Cl2, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, सॉरी HCl, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2Cl2, यानी कि मेथिलीन मैथिलीन क्लोराइड ठीक। फिर आगे इसका क्लोरीनेशन क्या फॉर्म होगा यहां पर, एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर, और क्या फॉर्म होगा आपके पास, CH Cl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट रिएक्शन ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर, और क्या फॉर्म होगा, CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात होती है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में श्रृंखला यानी कि चेन रिएक्शन
चेन रिएक्शन होती है जो थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, थ्री स्टेप्स में क्या होती है, ये कंप्लीट होती है। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेन चेन निस्टिंग चेन इनिशिंग स्टेप, यानी कि श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। ठीक है, तो इसी स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, उदासीन अणु न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन अणु का होमोलिटिक फिजन क्लीवेज विखंडन, समांश विखंडन। ठीक है ना, समांश विखंडन होता है और क्या फॉर्म होता है, और एक्टिव सक्रिय फ्री रेडिकल, रेडिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक, आता है इसमें क्या हो जाएगी, चेन स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन या प्रोपोगेटिंग स्टेप। श्रृंखला बढ़ाने वाला पद, इसमें क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में एक फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेकर दूसरा यानी कि अदर दूसरा न्यू नया फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, और अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, और रिएक्शन
आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, चेन एंडिंग। श्रृंखला समाप्त करने वाला पद, इसमें क्या होगा, इस स्टेप में दो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल परस्पर ईच अदर कॉन्जुगेट संयुक्त संयुक्त होकर क्या करते हैं, होकर उदासीन न्यूट्रल उदासीन अणु बनाते हैं। ठीक है, अतः मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल मूलकों के समाप्त होने पर रिएक्शन रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्टेप्स मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, तो बाकी अपन बात जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में अपने एग्जांपल से इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।